भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिला जुला रहा। बीते सप्ताह निफ्टी 0.32% की तेजी के साथ 19,794.70 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.42% की मामूली तेजी के साथ 65,970.04 के लेवल पर बंद हुआ। अगले हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, किस दिन भारतीय शेयर बाजार बंद है और किन किन फैक्टर्स के बदौलत बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले किन किन दिन बाजार बंद रहेंगे ये जान लेते हैं। तो शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के अलावा सोमवार यानी 27 नवंबर को भी भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। गुरु नानक जयंती के मौके पर 27 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व के तौर पर भी माना जाता है, जो कि सिख धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यानी सोमवार को दोनों एक्सचेंजों पर इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स और SLB सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा। अब आइए फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर है एग्जिट पोल्स के नतीजे। 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 चल रहे हैं। इस चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हो जाने के बाद अगले सप्ताह एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आएंगे। ये नतीजे तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को जारी किए जाएंगे और दूसरे 4 राज्यों में मतदान भी पूरा हो चुका है। एग्जिट पोल्स के नतीजे शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं, इसलिए बाजार और निवेशक इन आंकड़ों पर अपनी पैनी नज़र रखें। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। 29 नवंबर यानी बुधवार को तीसरी तिमाही के अमेरिकी GDP के आंकड़े आएंगे। 1 दिसंबर को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण पर भी बाजार की नज़र रहेगी। दूसरे फेड अधिकारी वॉलर, गोल्सबी, बोमन, बरर, मेस्टर और विलियम्स भी अगले सप्ताह भाषण देंगे। पिछली पॉलिसी मीटिंग यानी 22 नवंबर को जारी मिनट्स में फेड अधिकारियों ने ब्याज दर में कटौती के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन वे अभी भी महंगाई के बारे में चिंतित नजर आ रहे थे। अगले सप्ताह यूरोप सहित कई देशों के नवंबर माह के मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े आएंगे, तो इन आंकड़ों को भी बाजार गहराई से पढ़ेगा। इसके अलावा अमेरिका में नए घरों की बिक्री, बिल्डिंग परमिट, कच्चे तेल की इन्वेंटरी और पेंडिंग होम सेल्स के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। 30 नवंबर को जुलाई सितंबर तिमाही के GDP आंकड़े आएंगे। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक GDP ग्रोथ रेट लगभग 6.8 से लेकर 7% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अक्टूबर के लिए वित्तीय घाटे और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े भी 30 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 1 दिसंबर को नवंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, इसमें दिवाली बिक्री के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। FIIs फ्लो कैसे रहे हैं ये जान लेते हैं। तो कई हफ्तों के बाद FIIs बिकवाल से खरीदार बने हैं। खरीदारी से FIIs का मंथली आउटफ्लो 6,500 करोड़ रुपए से घटकर अब लगभग 5,100 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं DIIs ने 2,112 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जाते जाते IPO का अपडेट भी ले लीजिए। प्राइमरी मार्केट अगले सप्ताह भी फुल एक्शन मोड में रहेगा। नए सप्ताह में मेन बोर्ड सेगमेंट में 5 कंपनियों टाटा टेक्नोलॉजीज, IRDA, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज और गांधार ऑयल रिफाइनरी की लिस्टिंग होगी, तो बाजार इनकी लिस्टिंग पर भी नज़र रखेगा। हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम बातों से अवगत करा दिया। अगर आपको शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।